प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टर से कुछ अवतरण की व्याख्या करेंगे। शकल दीप बाबू कुछ देर तक आंखों को साश्चर्य फैलाकर अपने लड़के को देखते रहे, जैसे किसी आनंददायी रहस्य का अचानक पता लगा लिया हो। फिर चुपचाप धीरे से पीछे हट गए और वहीं खड़े होकर जरा मुस्कुराए और फिर दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे और अपने कमरे के ओसारे के किनारे खड़े होकर आसमान को उत्सुकता पूर्वक निहारने लगे। इस अवतरण में उस प्रसंग का वर्णन कहानीकार अमरकांत ने किया है कि जब नारायण को डिप्टी कलेक्टर का फॉर्म और फीस भेज देने के लिए शकलदीप बाबू से पैसे मिल जाते हैं, किस तरह से वो फॉर्म भरने के अगले दिन से ही पढ़ाई में जुट जाता है। तो प्रातःकाल ही शकलदीप बाबू उठे और उन्होंने देखा कि बाहर के कमरे में कुछ रोशनी हो रही है। वे वहां तक गए और जाकर के उन्होंने झांका तो ये पाया कि उनका बेटा नारायण पढ़ाई में ध्यानमग्न दिखाई दिया या पढ़ाई में तल्लीनता से वो लगा हुआ है। यह देख करके पिता शकलदीप को जिस आनंद की अनुभूति हुई उसका वर्णन कहानीकार ने इस इन पंक्तियों में किया है। तो शकलदीप बाबू कुछ देर तक आंखों को साश्चर्य फैलाकर अपने लड़के को देखते रहे। जब शकलदीप बाबू ने देखा कि उनका बेटा नारायण प्रातःकाल उठ करके पढ़ रहा है तो वे कुछ देर तक उसको देखते रहे और उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ और वो बहुत अधिक खुश भी हुए कि उनका बेटा इस तरह से डिप्टी कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है। और एक दिन पहले ही डिप्टी कलेक्टर का फॉर्म और फीस उसने भेजी थी और अगले दिन से ही वो पढ़ाई में मग्न हो गया। तो इससे शकलदीप बाबू का खुशी का कोई जैसे ठिकाना ही न रहा। उसकी लगन को, उसकी मेहनत को देख करके उनको बहुत अधिक आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई, जैसे किसी आनंददायी रहस्य का अचानक पता लगा लिया। तो नारायण को पढ़ाई में मग्न हुआ देख करके शकलदीप बाबू को आनंद की अनुभूति हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी आनंददायी रहस्य का या किसी
गोपनीय बात का पता अचानक से लग गया हो। फिर चुपचाप धीरे से पीछे हटकर वहीं खड़े होकर जरा मुस्कुराए और फिर दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे। नारायण की पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न हो, नारायण की पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न पड़े, इसलिए वो थोड़ी सी देर उसको पढ़ता हुआ देख करके दरवाजे पर खड़े होकर देख करके वहाँ से चुपचाप चले गए और थोड़ी देर ही खड़े रहे और वो बहुत बहुत हल्के से मुस्कुराए, अर्थात उन्हें अपने बेटे की सफलता की आशा से कुछ प्रसन्नता का अनुभव हुआ और अपने कमरे के ओसारे के किनारे खड़े होकर आसमान को उत्सुकतापूर्वक निहारने लगे। उसके बाद पिता सकलदीप बाबू दबे पांव अर्थात बहुत हल्के हल्के कदमों से बिना किसी प्रकार का शब्द किए बहुत धीरे धीरे वापस वहां से लौटे और अपने कमरे के बरामदे के किनारे खड़े होकर के बहुत अधिक उत्सुकता के साथ, प्रफुल्लता के साथ, आनंद के साथ आकाश की ओर देखने लगे। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सकलदीप बाबू को अपने अच्छे भविष्य की तथा परिवार के अच्छे दिन आने की आशा से उनका मन तरंगित होने लगा, उनका मन उद्वेलित होने लगा तथा इसे वे मन ही मन अत्यधिक उमंगित, तरंगित और उत्साह से भरे दिखाई दिए। इस तरह कहानीकार अमरकांत ने इन पंक्तियों में पुत्र को मेहनत करते हुए देख करके पिता को, सकलदीप बाबू को जिस आनंद, उत्साह और उल्लास की अनुभूति हुई है उसका वर्णन इन अवतरण में किया है। आगे देखेंगे अगली व्याख्या। और अचानक उनमें न मालूम कहाँ का उत्साह आ गया, उन्होंने उसी समय ही दातोन करना शुरू कर दिया। इन कार्यों से निबटने के बाद भी अंधेरा ही रहा तो बाल्टी में पानी भरा और गुसल खाने में ले जाकर स्नान करने लगे। स्नान से निवृत्त होकर जब वे बाहर निकले तो उनके शरीर में एक अपूर्व ताजगी तथा मन में एक अवर्णनीय उत्साह था। पुत्र नारायण को परीक्षा की तैयारी में निमग्न देख करके सकलदीप बाबू के मन में एक आनंद और उत्साह का संचार हुआ जिसके कारण उनकी जो जीवनचर्या थी उसमें भी अचानक से कुछ परिवर्तन आ गया। उसी का वर्णन कहानीकार ने इन पंक्तियों में किया है। और अचानक उस उनमें न मालूम कहाँ का उत्साह आ गया कि पुत्र नारायण को डिप्टी कलेक्टर की पढ़ाई में दत्तचित हुआ देख करके पिता को अत्यंत प्रसन्नता हुई और सकलदीप बाबू जो 6 या 6:30 से पहले उठते ही नहीं थे लेकिन उस दिन वो
समय से पहले ही उठ गए और उनमें एक नया उत्साह, एक नया जोश दिखाई दिया। प्रातःकाल जल्दी उठने पर उनमें अधिक स्फूर्ति और अधिक उत्साह दिखाई दे रहा था और उन्होंने उसी समय अपना प्रातःकालीन जो दिनचर्या थी वो शुरू कर दी, यानी दातुन करना शुरू कर दिया। कुछ इधर उधर घूमते रहे। इन कार्यों से निपटने के बाद भी अंधेरा ही रहा। वो अपनी दिनचर्या, वो अपनी जो प्रातःकालीन जो उनका नित्य कर्म था उससे निपटने के बाद भी अभी पूरी तरह से दिन नहीं निकला था, अंधेरा बना हुआ था, अंधेरा दूर नहीं हुआ, अर्थात प्रातःकाल का धुंधलापन अभी समाप्त नहीं हुआ था या प्रातःकाल पूरी तरह से नहीं हुआ था। बाल्टी में पानी भरा और गुसलखाने में ले जाकर स्नान करने लगे और प्रातःकाल ही सकल दीप बाबू बाल्टी में पानी भर करके गुसलखाने में स्नान करने लगे और स्नान से निवृत्त होकर जब वे बाहर निकले तो उनके शरीर में एक अपूर्व ताजगी तथा मन में एक अवर्णीय उत्साह था। स्नान करने के पश्चात वे जब गुसलखाने से बाहर निकले तो शरीर में एक अपूर्व ताजगी का अनुभव वो कर रहे थे, क्योंकि उनका मन अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि बेटे नारायण को डिप्टी कलेक्टर की तैयारी करते हुए देख करके कहीं ना कहीं उनके मन में यह भाव था कि इस बार वह शायद सफल हो जाए। बेटे नारायण को अध्ययनरत देख करके उन्हें एक आनंद की अनुभूति हुई, उन्हें एक आनंद का अनुभव हुआ, उनका उत्साह भी दुगना हो गया। फलस्वरूप उनके मन में एक अवर्णनीय आनंद उत्साह का संचार होने लगा, क्योंकि उनके मन में अब कुछ नारायण को लेकर के यह धारणा बन रही थी कि जिस तरह से वो डिप्टी कलेक्टरी की पढ़ाई में तल्लीन है, हो सकता है इस बार वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा या उसकी मेहनत सफल हो जाएगी। इस तरह पुत्र की पढ़ाई को देख करके शकलदीप बाबू के मन में जो आनंद और उत्साह आया उसका वर्णन कहानीकार ने इन पंक्तियों में किया है। धन्यवाद।